हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यहाँ पे ना अपना टायर काफ़ी हाई चल रहा था, लाइव स्ट्रीम पे खेला गया था ये वाला गेम प्ले। रैंक मेरा चल रहा था 800 के आसपास एंड काफ़ी क्लोज था कॉन्करर के। सो हाई टायर का मैच है एंड यहाँ पे देखना, अभी सीधा उतरते ही इवेंट पे काफ़ी सारा एक्शन होने वाला है। अब ये वाला जो लॉबी था ना, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे काफ़ी अच्छे एक्सोड वाले प्लेयर्स भी आ रखे थे, प्लस एबीएस गेमिंग भी आ रखा था। बट एबीएस गेमिंग से हमारा फाइट हुआ नहीं, बिकॉज वो शायद से पहले ही मर गया था। लॉल चल गया। अब वो सामने छत पे मुझे बंदा स्पॉट हो रखा था, वो काफ़ी टाइम से उधर ही होल्ड कर रहा था। मुझे फुटस्टेप भी आ गया था उसका जब मैं वहाँ पर था ना, तो मैं सोचा चलो वो पीक नहीं कर रहा है, कभी ना कभी तो वो पीक करेगा, रिफ्लेक्स में मैं उसको मार दूंगा। लास्ट बंदा, तो अब बस यहाँ पे बचा हुआ था लास्ट बंदा। अब जो लास्ट बंदा बैठा रहता है ना, उसको मारना बहुत मुश्किल है, मारना क्या उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो ना एकदम चुपचाप बैठा रहता है टीपीपी लेके। अब यहाँ पे मुझे करना था जीनी समन, तो मैंने कैसे तो ट्राई किया यहाँ पे स्मोक करके जीनी समन करने का, बट वो बंदा जो था ना लास्ट में, मतलब जो बचा था, उसने अभी तक फूड वगैरह कुछ नहीं दिया। मैं आराम से लूट किया, मैं सोचा पीछे से मारेगा, बट उसने कुछ फायर तक नहीं किया। एंड आफ्टर मेरा लूटिंग होने के बाद उसने M4 का टैप देके मुझको बुलाया। सो वो लास्ट बंदा था ना, तो मैंने कर दिया उस पर सीधा पुश एंड देखो कैसे होता है उसके साथ फाइट। निकलते, बंदा बैठा है चुपचाप, ड्रॉप का गन वगैरह तो नहीं है, अभी तक मारा नहीं बंदे ने, मतलब देखो भाई क्या गलत बंदा है वो। यहाँ पे बंदा सामने कहीं बैठा है। हेलो, आई डिस्टर्ब वेलकम टू स्ट्रीम। ऊपर है ना, तो फाइनली यहाँ पे इवेंट हो चुका था क्लियर। लास्ट वाले बंदे पे था S12 के एंड यहाँ पे हमको रिकॉल कार्ड भी मिल चुका है। अगर तुम इवेंट क्लियर करोगे ना एंड जीनी समन करोगे तो तुमको रिस्पॉन कार्ड मिल जाएगा, जिससे कि तुम अगर नीचे भी मरोगे ना तो तुमको एक रिकॉल मिलेगा सोलो में। दो बंदे पे
मरेगा। अरे पीछे पीछे से यार। अब यहाँ पे सेंटर में कुछ ज्यादा ही बंदे आ चुके थे, प्लस एक बॉट का साउंड आ रहा, बॉट का साउंड था, मतलब लाइक बॉट का साउंड भी ना, अभी ये लोग ने बंदे के जैसा कर दिया, सो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं वहाँ पे, एंड एक बंदे ने अपने को पीछे से मार दिया। तो यहाँ पे मैं फेरी पायर उतरा सेंटर में, लूटिंग वगैरह कंप्लीट किया, तभी तुम मेरा पिंग देख सकते हो अचानक से हाई हो गया था। बगिया रेशा से भाई लिटरली थोड़ी देर पहले जब मैं इवेंट पे था ना, तब तक पिंग अच्छा चला, उसके बाद अभी तुम देख सकते हो कंटिन्यूस पिंग चल रहा है 144 के ऊपर, राइट। एंड यहाँ पे काफ़ी डिले भी हो रहा था गेम खेलने में। तो इस कंपाउंड में मैं होल्ड कर रहा था एंड सब मैंने ट्राई कर लिया, स्ट्रीम मैंने रिस्टार्ट कर ली, मैंने वाईफाई ऑन ऑफ किया, फिर भी पिंग उतना ही रह रहा है। तभी अपने बिना दो टीम अप वाले बंदे रश कर देते हैं। अब दोनों बंदे भाई सोलो में खेल रहे, डुओ मतलब 2v1 खेल रहे वो लोग सोलो में। अब देखते हैं इनके साथ कैसे होता है फाइट। अरे यार कितना डीले भाई ये। अरे क्या इशू हो गया भाई, जब मैच स्टार्ट हुआ तभी तो सही पिंग आ रहा था, अभी पता नहीं 140 एमएस कंटिन्यूस 150 बज रहा है। लोल बंदा भी लाइक मैं तो नाचूंगा पहले। क्या करूँ गाइस नहीं आ रहा पिंग, अच्छा 200 में जा रहा है, गलत चल रहा है। अभी फंस गया यहाँ पे, नहीं मैं बिटरेट कम कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है मिस्टेक, मतलब ये मैच सर्वर का इशू है।
लास्ट ऊपर नहीं आ सकता नहीं बंदा आ सकते हैं वैसे इस मैच में ना अच्छा प्लस हुआ था 31 प्लस हुआ था हाई टायर पे एंड रैंक भी मेरी 600 के आसपास आ चुकी थी 800 से बट मज़ा नहीं आया बिकॉज लास्ट में जो है ना वो गेम का इशू की वजह से पिंग काफ़ी हाई आ रहा था बट कोई बात नहीं सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर और गेम प्लेस तुमको देखने हैं वॉइस ओवर के साथ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो रिसेंट वीडियोज तुमको स्क्रीन पे दिखाएगा तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय। गेम का ही इशू है क्या।